रीवा शहर के मानस भवन में अवस्थी एवं तिवारी परिवार के द्वारा किए गए कार्यक्रम में अभिनंदन ग्रंथ विमोचन समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मानस विरसी डॉक्टर ज्ञानवती अवस्थी की पुस्तक का विमोचन किया गया। बताया गया कि ज्ञानवती अवस्थी एक प्राइवेट शिक्षिका के तौर पर अपने जीवन की शुरुआत की, जो कि शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की प्राचार्य के रूप में सेवानिवृत्त हुई। साथ ही मानस विरसी है, ऐसे में संतों का भी जुड़ाव उनके साथ रहा है। मानस भवन में पुस्तक विमोचन समारोह में पथिक राम भक्ति की पुस्तक का विमोचन किया गया। आइए आपको सुनाते हैं पुस्तक के संबंध में और क्या जानकारी दी गई है। उपस्थित हुए हैं विशिष्टजन, हमारे हमेशा कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले परम आदरणीय सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आदरणीय ए के सिखा और बहुत एक्चुअली डॉक्टर ज्ञानवती अवस्थी की मैं भाभी हूँ और डॉक्टर ज्ञानवती अवस्थी का एक लंबा कार्यकाल रहा है, उनका व्यक्तित्व कृतित्व की एक लंबी यात्रा रही, सुदीर्घ यात्रा रही है और उसमें उन्होंने बहुत कुछ पाया है, समाज को बहुत कुछ दिया है। सामान्यतः जब कोई व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है तब उसको याद किया जाता है, उसके स्मारक दराए जाते हैं, उसके अभिनंदन प्रकाशित किए जाते हैं, लेकिन हमारे मन में ये विचार आया कि क्यों ना हम उनके जीवित रहते हुए उनके व्यक्तित्व कृतित्व को प्रकाशमान बनाने के लिए एक अभिनंदन ग्रंथ का प्रकाशन करवाएं। और इसके लिए हम लोग ने अपने परिवार की ही प्रकाशन समिति गठित की। ये विचार हमारे दोनों ही पक्ष के परिवार को, यानी दीदी के बच्चों को, उनके ससुराल पक्ष को और नायके पक्ष को, सबको पसंद आया। और साथ ही उनकी एक लंबी श्रृंखला शिष्यों की है, वो प्रवचन करती हैं तो उनके साथ संत बहुत सारे जुड़े हुए हैं। इन सभी से हमने आग्रह किया कि ये डॉक्टर ज्ञानवती अवस्थी के बारे में जो भी उनके उद्गार हैं, विचार हैं, उनको अभिव्यक्त करें ताकि हम उसको एक अभिनंदन ग्रंथ में समाहित कर सकें। और वो अभिनंदन ग्रंथ आज आकार ले चुका है और यहाँ पर उसका विमोचन समारोह हो रहा है। एक दिवसीय विमोचन समारोह है। संत श्री ब्रह्मचारी जी ने, इस ग्रंथ का विमोचन किया है। जैसा कि दीदी, इस ग्रंथ का शीर्षक है पथिक राम भक्ति की। दीदी राम भक्ति ने आकंठ डूबी हुई है और पूरा विश्व, पूरा देश, त्रदेश उनको जानता है एज ए मानस विदुषी। और उन्होंने बहुत सारे सम्मान, बहुत सारे अलंकरण, बहुत सारे प्रशस्ति पत्र प्राप्त किए हैं। तो हमारे परिवारजनों का ये दायित्व था कि हम उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर आधारित एक अभिनंदन ग्रंथ का प्रकाशन करें। मेरा नाम डॉक्टर रजनी तिवारी है। मैं सेवानिवृत्त अध्यापक हूँ राजनीति विज्ञान की। मैं उनकी भाभी हूँ छोटी, वे मेरी बड़ी ननद हैं। और हमारे जो ससुराल का परिवार है उसने, वो ज्ञान दीदी चार बहनें थीं और मैं अकेली उनकी भाभी और भाई हैं, मेरे तत्ती, और हमने दोनों ने मिल करके इसका समन्वयन, इस ग्रंथ को समन्वित किया और संयोजन किया उसका। और एक महीने, दो महीने का समय देकर लेखकों से आलेख आमंत्रित किए
परिवारजनों ने अपने उद्गार व्यक्त किए दीदी के प्रति जो भी उनका भाव था, क्योंकि दीदी का जीवन बहुत ही चुनौतीपूर्ण और संघर्षपूर्ण रहा है। एक प्राइवेट स्कूल की अध्यापिका से उन्होंने अपना जीवन शुरू किया और आज वो प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त हुई हैं, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य पद से सेवानिवृत्त हुई हैं और पूरे प्रदेश और देश ने उनकी मानस विदुषी के रूप में ख्याति है। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602888590 पर।